मध्य प्रदेश के बैतूल से बड़ी खबर आ रही है। वहां एक बस और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर बस और कार की टक्कर हुई है और 11 लोगों की जान चली गई है। बैतूल में रफ्तार के कहर की वजह से जोरदार टक्कर होती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और समझिए कि हादसा कितना भीषण था, जिसमें एक साथ 11 लोगों की जान चली गई, कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। मनोज मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, ये हादसा काफी भीषण रहा जिसमें एक साथ 11 लोगों की जान चली गई, जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है और किसकी गलती की वजह से यह हादसा हुआ? बहुत दुखद घटना है। सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है। जो घटना है इसकी वजह बताई गई है कि जो SUV है उसके जो ड्राइवर था उसने गलत तरीके से गाड़ी को घुमाया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सारे लोग मजदूर थे जिसमें 5 पुरुष 4 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं जो मृतकों में। और जब गलत तरीके से गाड़ी घुमाई गई तो ये मजदूर जो कि अपने गांव लौट रहे थे, जिसकी और इसके बाद जो गाड़ी है वो पूरी तरह से अनियंत्रित होकर बस से जाकर टकरा गई और सीधा हेड ऑन जिसे कहते हैं कि आमने सामने से बस से टकराने की वजह से ही हादसा इतना खतरनाक हुआ और 11 लोगों की मौत हुई। जो जिस तरह से लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी हालत उनकी खतरे से बाहर बताई गई है। मिलने के लिए जो इलाके जिले के कलेक्टर हैं वो जल्लार थाना है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उससे थोड़ी दूरी पर पतवारा जो मार्ग है वहाँ पर ही हादसा हुआ है। फिलहाल जो पुलिस और प्रशासन वहाँ पर पहुँचा हुआ है और राहत के काम चलाए जा रहे हैं। ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के